जेके कैंसर संस्थान कानपुर, उत्तर प्रदेश का पहला एकमात्र कैंसर निदान एवं उपचार का प्रमुख केंद्र है। इस संस्थान की स्थापना जेके चैरिटेबल ट्रस्ट ने कराई थी। जेके कैंसर संस्थान का शिलान्यास 24 अप्रैल 1956 को भारत के राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कर कमलों के द्वारा हुआ था और उद्घाटन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 12 मई 1963 को किया था। जेके कैंसर संस्थान की स्थापना तत्कालीन उपचार की सुविधाओं के अनुरूप की गई थी, परंतु वर्तमान में रेडियो डायग्नोसिस में एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई आदि अत्यंत उच्च कोटि की सुविधाएं उपलब्ध हैं और लीनियर एक्सीलेटर, कोबाल्ट 60, एसडीआर, टीपीएस, ब्रेकिथेरेपी आदि की अनेक उच्च मशीनें आ गई हैं। इनसे कैंसर का सटीक इलाज संभव है। जेके कैंसर संस्थान में रोगियों के लिए लगभग 106 बेड हैं, जिनमें 44 पुरुषों के लिए, 50 महिलाओं के लिए, 6 पेइंग और 6 प्राइवेट हैं। संस्था रोगियों की सेवा में निरंतर अग्रसर है। 1961 में लगभग 400 कैंसर पीड़ित रोगी थे। 1969 में यह संख्या 5,444 हो गई। वर्तमान में 43,000 कैंसर पीड़ितों का इलाज हो रहा है, जिसमें 13,000 नए रोगी हैं। जेके कैंसर संस्था के निदेशक डॉक्टर एमपी मिश्रा के नेतृत्व में कैंसर पीड़ितों का समुचित इलाज किया जा रहा है। वर्तमान में कैंसर संस्थान प्रतिवर्ष लगभग 50,000 रोगियों की निःशुल्क सेवा करता है। हमारे यहाँ रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी, पैथोलॉजी, रेडियो डायग्नोसिस, सीटी स्कैन, एमआरआई एवं अन्य आधारभूत सुविधाएं रोगियों के लिए निःशुल्क उपलब्ध रहती हैं। स्टेज वन और स्टेज टू के कैंसर के रोगियों के में ऑपरेशन के परिणाम अत्यंत सकारात्मक हैं, जिसमें आंकोसर्जन की महती भूमिका है। हमारे संस्थान में आंकोसर्जन की कमी है और वो अगर ऑपरेशन होने लगे तो जिससे कैंसर के रोगियों को अत्यधिक लाभ मिल सकता है और उनको जीवन दान भी लंबा मिल सकता है। इसी प्रकार हमारे यहाँ ब्लड कैंसर के रोगियों के लिए हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं है। हम लोगों को ब्लड कैंसर के रोगियों को संजय गांधी रेफर करना पड़ता है, जहाँ पर काफ़ी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार से अगर हमारे संस्थान में हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट की भी नियुक्ति हो जाए तो कैंसर के रोगियों को अत्यधिक लाभ मिलेगा। इसी प्रकार पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट की भी अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि जो बच्चों के कैंसर होते हैं उसमें पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट की महती भूमिका होती है। हमारा जो संस्थान है वो काफ़ी जर्जर हालत में है। इसमें बार बार पैसा लगाने के बावजूद भी इसकी मरम्मत बहुत अच्छी नहीं हो पाती है और स्थान की कमी भी है। इसीलिए अगर एक नया भवन स्थापित किया जा सके तो वो काफी लाभप्रद होगा। इस संस्था में आयुष्मान योजना के तहत सैकड़ों रोगी चिकित्सा का लाभ ले चुके हैं और ले रहे हैं। डिजिटल भारत की ओर कदम बढ़ाते हुए जेके कैंसर संस्थान में ई हॉस्पिटल की शुरुआत शासन द्वारा की गई, जिसमें ऑनलाइन हजारों रोगियों को पंजीकृत किया जाता है। साथ ही साथ ई फार्मेसी का भी शुभारंभ किया गया है। अब बदलते दौर के हिसाब से जेके कैंसर संस्थान अपडेट होना चाहता है, ताकि रोगियों को अत्याधुनिक चिकित्सा का लाभ मिल सके। समय को देखते हुए संस्था की आवश्यकताएं जैसे लीनियर एक्सीलेटर, डिजिटल मेमोग्राफी, सी आर्म, पेट स्कैन, एक्सरे सिमुलेटर, आंको सर्जन, आंको फिजिशियन, हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, मेडिकल फिजिसिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। आइए हम आपको जेके कैंसर संस्था का विवरण देते हैं। वर्तमान में 15 संकाय सदस्य हैं, नर्सिंग स्टाफ 20 का, टेक्नीशियन 13, क्लर्क 12 और 64 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं। जेके कैंसर संस्था रिसर्च के लिए जाना जाता है। इस संस्था में 12 जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर एमडी रेडियोथेरेपी की पढ़ाई कर रहे हैं। साथ ही साथ
20 रेडियोथेरेपी टेक्नीशियंस भी ट्रेनिंग का लाभ ले रहे हैं। संस्था की मेन बिल्डिंग का बिल्ट इन एरिया है 4,366 स्क्वायर मीटर। ओपीडी, डे केयर व कीमोथेरेपी का एरिया है 208 स्क्वायर मीटर और एमआरआई ब्लॉक का 4,334 स्क्वायर मीटर। जेके कैंसर संस्था के निर्माण को लगभग 65 वर्ष हो चुके हैं। पीडब्ल्यूडी व एचबीटीआई ने संस्था को निष्प्रयोग घोषित कर दिया है। आरबी की छत बार बार जीर्णोद्धार के बावजूद जर्जर अवस्था में है। जेके कैंसर संस्था को नए भवन की अति आवश्यकता है। राजकीय निर्माण निगम द्वारा निर्मित प्लान G+9 2017 शासन को दिया जा चुका है, जिसकी सिविल वर्क की लागत उस वक्त लगभग 54 करोड़ थी। आइए अब एक नजर डालते हैं जेके कैंसर संस्था के इक्विपमेंट्स पर। रेडियोथेरेपी में कोबाल्ट 60, लाइनोक, एसडीआर, सीटी सिमुलेटर, टीपीएस। पैथोलॉजी में ऑटो माइक्रोटोम, ऑटो टिश्यू, एम्बेडिंग सिस्टम, ऑटो एनालाइजर, डिजिटल माइक्रोस्कोप, ओवन एंड सेंट्रीफ्यूजेस और सेल काउंटर। रेडियो डायग्नोसिस में डिजिटल एक्सरे, ओपीजी एक्सरे, यूएसजी मशीन, पोर्टेबल यूएसजी, एमआरआई 0.3 टेस्ला। पैथोलॉजी के रूटीन इन्वेस्टिगेशन में कंप्लीट ब्लड काउंट, लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फुक्टियोंस टेस्ट और रूटीन बायोकेमिकल्स टेस्ट, एचआईवी, एससीवी एंड एचबीएसएजी। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में हिस्टोपैथोलॉजी और बायोप्सी, एफएनसी, स्क्रैप साइटोलॉजी, बोन मैरो सर्विसेज प्रोवाइडेड इन ओपीडी, रेडियोथेरेपी, सर्जिकल, डेंटल, पेन क्लिनिक, पैलेटिव केयर, प्रीमेलिगमेंट और प्रिवेंटिव ऑंकोलॉजी, इन मेडिकल ओपीडी एंड डे केयर कीमियोथेरेपी, रेडिएशन, ईबीआर, टी टेली रेडियोथेरेपी, ब्रैकीथेरेपी, पैलेटिव रेडिएशन एंड इमरजेंसी रेडिएशन। कैसा यहाँ पे ट्रीटमेंट आपके साथ हो रहा है? अच्छा हो रहा है। आप सेटिस्फाइड हैं यहाँ के इलाज से? कोई परेशानी है आपको? नहीं, कोई परेशानी नहीं। डॉक्टर वगैरह टाइमली आपको देखते हैं? हाँ, टाइमली देखते हैं। खाने की सुविधा कैसी है आपकी? अब खान अच्छी है। संस्था में कार्यरत लीनियर एसिलेटर मशीन 2007 में आपूर्ति की गई थी। भविष्य में हाइट लीनियर एसिलेटर मशीन, जिसमें आईजीआरटी इत्यादि सुविधाएं उपलब्ध हैं, इस मशीन की अत्यंत आवश्यकता है। मैं डॉक्टर आशुतोष सिन्हा, सहायक आचार्य के पद पर मेडिकल फिजिक्स विभाग में कार्यरत हूँ। हमारे मेडिकल फिजिक्स विभाग में वर्तमान में 2 टेलीथेरेपी कोबाल्ट 60 मशीन, 1 लीनियर एक्सेलरेटर, 1 एसडीआर ब्रैकी थेरेपी मशीन एवं 1 सीटी सिमुलेटर कार्यरत है। हम प्रतिदिन संस्थान में लगभग 200 मरीजों की सिकाई का कार्य करते हैं। हमारे यहाँ अभी हाल में ही एक नवीन टेलीथेरेपी कोबाल्ट 60 मशीन बाबाट्रॉन 2 की स्थापना हुई है। इसके साथ ही साथ हमारे यहाँ लीनियर एक्सेलरेटर मशीन जो 2007 में क्रय की गई थी वो काफ़ी पुरानी हो गई है समय के साथ, और नवीन मशीन की अत्यंत आवश्यकता है। जेके कैंसर संस्थान कैंसर पीड़ितों की सेवा के लिए समर्पित है। जेके कैंसर संस्था में 29 अप्रैल 2015 में राम रोटी की शुरुआत की गई। यह शुरुआत समन्वय सेवा समिति ने ब्रह्मलीन स्वामी, सत्यानंद मित्र नंद महाराज, स्वामी अवधेशानंद गिरिजी महाराज, स्वामी गोविंद देव गिरिजी महाराज व स्वामी अखिलेश्वरानंद जी महाराज के सानिध्य में हुई थी। तब से लेकर आज तक रोगियों और तीमारदारियों के लिए दोनों वक्त निशुल्क शुद्ध व ताजा भोजन की व्यवस्था है। रसोई के शुद्ध वातावरण में आधुनिक विधि से भोजन तैयार किया जाता है। राम रोटी के संचालन में शहर की सामाजिक संस्थाएं प्रमुख भूमिका निभा रही हैं, तथा श्री सुरेंद्र गुप्ता व श्री संतोष अग्रवाल जी की भूमिका सराहनीय है। प्रत्येक मरीज को व उसके एक अटेंडेंट को निःशुल्क दोनों समय भोजन दिया जाता है, जो यहीं पर मिश्रा जी के द्वारा प्रदत्त स्थान पर बनाया जाता है, और सवेरे शाम दोनों समय दिया जाता है। सवेरे दूध और शाम को एक एक गिलास दूध मरीजों को दिया जाता है, और शाम के समय 4 बजे सभी को चाय भी निःशुल्क वितरित की जाती है। इसके अलावा सरकार राजेंद्र सिंह, मनोज सक्सेना, सीमा जैन, प्रेम कपूर, गायत्री परवार व परिवर्तन संस्था भी संस्था के लिए समर्पित है। उत्तर प्रदेश के साथ दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, नेपाल आज से रोगी यहाँ इलाज करवाने आते हैं।
जेके कैंसर संस्थान पीड़ितों को उपयुक्त चिकित्सा बिना किसी भेदभाव के मिल रही है, जिससे रोगी व तीमारदार दोनों संतुष्ट हैं। हम अभी 2D TPS और 3D TPS से प्लानिंग कर पाते हैं। अभी इसके आगे की सुविधाएं और ये करनी है, सरकार से लेनी है, उसके आगे फिर हम IMRT भी कर पाएंगे, मतलब कॉम्प्लिकेटेड रेडियोथेरेपी भी कर पाएंगे। अभी वो सुविधाएं नहीं है, उसके लिए सरकार से पहले फंड मांगा जाएगा, उसके बाद मशीनें आएंगी। कैंसर पीड़ितों को निशुल्क OPD IPD में औषधियां उपलब्ध कराई जाती हैं। रेडियोथेरेपी के लिए किसी प्रकार की वेटिंग नहीं है। अब जेके कैंसर की निगाहें शासन को बड़ी उम्मीद से निहार रही हैं। आशा ही नहीं, विश्वास है कि जेके कैंसर संस्थान नए G+9 भवन में उच्च कोटि की सुविधाओं के साथ कैंसर पीड़ित रोगियों का और भी बेहतर इलाज कर पाएगा। आपका जेके कैंसर संस्थान कानपुर 24/7 आपकी सेवा में तत्पर है।